नमस्कार अभिभावक महोदय, आज हम बच्चों को छोटे छोटे जोर सिखाएंगे, है ना। तो ये देखो, ये कितने एप्पल हैं? एक। बच्चे से एक लिखवाएंगे। ये कितने हैं? एक दो तीन। बच्चे से गिनवाएंगे, फिर यहाँ पे तीन लिखवाएंगे, है ना। तो फिर इनको इकट्ठा करके फिर कितने बनते हैं? एक दो तीन चार। तो बच्चे से चार लिखवाने हैं अपने को। जैसे ये छाते का चित्र है, तो ये छाते कितने हैं पहले बच्चे से पूछने हैं अपने को, फिर बच्चे से काउंट करवाने हैं। एक दो तीन चार। तो बच्चे से ही हम चार लिखवाएंगे, अपने को पता चल जाएगा कि बच्चे को चार लिखना आ गया है। तो ऐसे नीचे वाले फिर वापस एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच बनेंगे। अब ये सारे छाते अपने इकट्ठे करते हैं, तो कितने बनते हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो बच्चे से नौ लिखवाएंगे, यानी बच्चे को ये भी बताएंगे कि पाँच और चार नौ होते हैं, है ना। तो बच्चे को जोड़ भी आ जाएगा और अंक की पहचान हो जाएगी। ऐसे ये तितली का चित्र है, ये तितलियाँ कितनी हैं? तो बच्चे गिनेंगे एक दो, तो यहाँ पे दो लिखवाने हैं उनसे। ये तितलियाँ कितनी है नीचे वाली? एक दो तीन, तो ये तीन लिखेंगे। फिर अपने ये दोनों तितलियाँ यहाँ ले आए, तीन यहाँ लगा दी, तो कितनी बन गई? एक दो तीन चार पाँच। तो ऐसे अपने बच्चों को करवाएंगे, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि अंक पहचान हो गई। ऐसे जैसे ये बोल के चित्र है ना, तो कुछ बच्चे से कहेंगे कि ये कितनी गेंद है, तो बच्चा गिनेगा एक दो दो लिखवा देंगे। फिर जैसे ये कितने हैं? एक दो तीन चार, तो बच्चा चार लिखेगा। फिर अपने इनको क्या करवाएंगे? इकट्ठा करवाएंगे, है ना। इकट्ठा करवा के जैसे एक दो तीन चार पाँच छ, तो ये कितने होगी? छ। तो बच्चे से ये ऐसे पूछेंगे कि कलर भरा हुआ इनमें, है ना, येलो कलर भर दिया या पीला रंग है, है ना। तो ये कितनी होगी येलो कलर की? तो ये हो जाएंगी छ। आगे जैसे ये सेब के चित्र है, है ना, बच्चे को साथ साथ में बता देंगे ये एप्पल है, एप्पल में सेब भी होता है ना। तो ये इसमें सेब कितने हैं ये, है ना, एक दो तीन। इसके अंदर भी लिखवा सकते हैं अपने, जैसे इसके अंदर लिखवा लो एक दो तीन, तो ये कितने हो गए? तीन। ऐसे ये एक दो तीन चार पाँच, तो अपने यहाँ पे कितने लिखवाएंगे? पाँच। तो अब अपने क्या कहेंगे कि बच्चे को कि ये कितने हो गए? तीन। तो इनके अंदर रंग भरो, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपने? तीन में और पाँच में, है ना, ये पाँच सेब हैं, तो इनमें क्या कर देंगे? कलर करवाएंगे कि जितने हैं इनमें कलर करो और फिर उनको काउंट करो। तो ये कितने हो जाएंगे? आठ। आठ में कलर करवाना है अपने को, ये दो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे ऊपर भी ऐसे ही था कि छः, ये जोड़ के कितने आए थे? छः। तो छः के अंदर ही कलर करवाया अपने को, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी अपने पाँच तीन आठ, तो बच्चे को कहेंगे आठ के अंदर कलर भरना है आपको, तो बच्चा कलर भरेगा साथ में, तो और उसको अंक की पहचान भी हो जाएगी। अब जैसे ये आम के चित्र हैं, है ना, तो ये बच्चे से ही गिनवाने हैं, फिर नीचे लिखवाने हैं, है ना, एक दो दो लिख दिया, यहाँ पे एक आम है तो एक लिख दिया। अब हम बच्चे को क्या कहेंगे? ये दोनों आम यहाँ ले आए, एक आम ये भी आ गया, तो अब कितने बन गए? दो और एक तीन। तो बच्चे को अपने ऐसे सिखाएंगे ना, मौखिक सिखाएंगे, तो इतना जल्दी बच्चे को वो हो जाएगा। जैसे ये चिड़िया है, है ना, तो इनमें अपने बच्चे से गिनवाएंगे कि ये चिड़िया कितनी है? एक दो तीन चार, तो बच्चा चार लिख देगा। जैसे ये कितनी है? एक दो तीन, तीन हो गई। अब अपने इन सारी चिड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो अब कितनी बन जाएंगी? एक दो तीन चार पाँच छ सात।
ये पतंग है, कितने हैं? एक दो तीन। ये कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, है ना। अब ये सारे तीन, एक दो तीन पतंग हो गए, पांच फिर एक दो तीन चार पांच। तो अब इनको इकट्ठा करके गिनेंगे कितने बन जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बच्चे से लिखवाएंगे, आठ लिखो। ऐसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल की काउंटिंग करवाएंगे, एक दो तीन चार पांच। ये कितने हैं? एक दो तीन चार। अब अपने पांच और चार इकट्ठे करके पूछेंगे बच्चे से कितने बन गए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। तो बच्चे को ये बार बार करवाएंगे कि पांच और चार नौ। जैसे ये क्या है, पेन के चित्र हैं, ये कितने हैं? एक दो तीन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। बच्चे कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? जीरो, है ना। तीन के अंदर जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, बच्चे को बताना पड़ेगा अपने को, एक दो तीन, तो तीन आएगा ना यहाँ पे। वैसे यहाँ पे क्रॉस लगवा सकते हैं अपने, है ना, कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगाओ, क्योंकि जीरो अगर लगाते हैं तो बच्चे तीस भी कर सकते हैं इसका, है ना। तो तीन का तीन, ठीक है। तो ऐसे ही अपने बार बार बच्चे से करवाएंगे ना, दो और एक तीन। बच्चे को वापस ओरल भी करवा सकते हैं, चार और तीन सात, पाँच और तीन आठ, पाँच और चार नौ, तीन के तीन, है ना। ये इसका मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे अपने बार बार मौखिक करवाओ, दस तक करवाएंगे ना बार बार अपने, तो बच्चे को अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। धन्यवाद।